हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। तो फ्रेंड्स, मैं एवी हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के, एक नए टॉपिक के साथ, चैप्टर नंबर 2 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ बुलियन नियम, बुलियन लॉज, जिसके मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम और एंड लॉ एंड नियम। और 4 नियम हो गए थे हमारे, हम 5वां पढ़ने वाले हैं और नियम। तो चलिए फटाक से इसको भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक नियम और हमारा बचा हुआ है, 6वां नियम, इन्वर्जन नियम। और उसके बाद हम एक नए टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। ये बुलियन नियम हमारा समाप्त हो जाएगा, बुलियन लॉ। देखिए, और नियम और लॉ, और नियम में और ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है, ये तो एकदम बेसिक है। जैसे एंड में एंड ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता था, यहाँ पर और में और ऑपरेशन का प्रयोग किया जाएगा, ये हम डिफिनेशन में लिख सकते हैं। बुलियन बीजगणितीय पर आधारित प्रमुख नियम, देखिए एंड में भी कुछ प्रमुख नियम होते थे और में भी कुछ प्रमुख नियम होते हैं, जिसको हम लोग ट्रुथ टेबल या सत्यता सारणी द्वारा डिनोट करते हैं या फिर नोट करते हैं। देखिए, ये बेसिकली 4 हमारे हैं बीजगणित पर आधारित प्रमुख नियम। अब देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि और गेट कैसे बनता था, क्या होता था। ये होता था भाई और गेट का सिंबल, इसमें 2 बेसिकली इनपुट होते थे, ए और बी, y इक्वल टू ए प्लस बी, इसको प्लस से डिनोट करते थे, और ये इसका आउटपुट हो गया, ठीक है। तो अब हमको यहाँ ये देखना है कि अगर, चलिए देखते हैं एक एक रख के, अगर इनपुट हमारा ए हुआ, आउटपुट हमारा 0 हुआ, मतलब एक इनपुट ए हुआ और एक इनपुट 0 हुआ, तो हमारा आउटपुट कितना आएगा। समझ लीजिए, हम a इक्वल टू 1 मान लेते हैं, ठीक है, a इक्वल टू 1 मान लेते हैं, या फिर a ही रहने देते हैं, ठीक है, a ही रहने देते हैं। तो देखिए, a प्लस 0, a प्लस 0 कितना होगा भैया, a ही तो होगा, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं इसमें। अगर यहाँ एंड गेट होता, ये और गेट है, ठीक है, अगर यहाँ एंड गेट होता तब इसकी वैल्यू होती, तब ये 0 आता, लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ प्लस है, ठीक है, और गेट है, a और 0 का मान क्या होगा, a होगा, ठीक है। ये हो गया भैया हमारा, सॉल्व हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं, यहाँ 1 रख देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। यहाँ हम a इज इक्वल टू 1 मान लेंगे, ठीक है, a इज इक्वल टू 1 मान लेंगे, तो 1 और 1 दोनों ऑन है, तो दोनों हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, ये 1 ही होगा, ठीक है। और इसके बाद थर्ड देख लेते हैं, देखिए ये भी हो गया हमारा सॉल्व, थर्ड लेते हैं, ए और ए दोनों इनपुट ए हैं, दोनों इनपुट हमारे क्या हैं, ए हैं, तो जब दोनों इनपुट ए हैं, 1 और 0 का कोई काम ही नहीं है, तो हमारा क्या होगा, आउटपुट ए ही प्राप्त होगा, ठीक है, ए ही प्राप्त होगा, ये भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, इसको मैं इसमें नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसका फिगर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है, ए का है, ए क्या है, एक इनपुट हमारा पहले ए हो गया, ठीक है, एक इनपुट हमारा क्या हो गया, ए हो गया। अब दूसरा इनपुट देखिए, हमने क्या दिया, ए बार, ठीक है, ए बार दिया हुआ है। बार का क्या मतलब हुआ, बार ऐसे होगा नहीं, क्योंकि बार का मतलब क्या होता है, नॉट गेट, ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ नॉट गेट जोड़ देंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ नॉट गेट जोड़ देंगे, तो देखिए ये ए बार हो जाएगा, ठीक है, नॉट गेट जोड़ देंगे तो ये हमारा ए बार हो जाएगा, और जो हमारा आउटपुट, देखिए ये हमारा फिगर यहाँ बना हुआ है, तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है कोई। देखिए, ए बार इज इक्वल टू 0 हो गया, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है, कैसे होगा ये अभी मैं बता रहा हूँ, कैसे होगा, पहले देखिए एंड गेट सिंपल बनाइए, एंड गेट, ठीक है, इसको हम बेसिकली एंड नहीं और, ठीक है, एंड नहीं और, तो इसको बेसिकली हम नॉर बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम बेसिकली नॉर बोल सकते हैं। जो हमारा और गेट का प्रतीक है, देखिए हमारा ए है, मैंने क्या बताया था, नॉट गेट वैल्यू को चेंज कर देता है, ठीक है, नॉट गेट क्या करता है, वैल्यू को चेंज कर देता है। तो जब हमारा ए इज इक्वल टू 1 है, तो हमारा ए बार क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ अगर डबल बार लगा दिया जाए तो फिर ये 1 हो जाएगा, और इसी को कहते हैं इन्वर्जन नियम, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये एक हिंट था ऐसे ही, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोमो या फिर ट्रीजर, ठीक है, ट्रीजर। तो ए बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, ए इक्वल टू 1 है एक इनपुट, दूसरा इनपुट क्या है, ए बार इज इक्वल टू 0 है, तो हमारा आउटपुट क्या प्राप्त होगा, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस
प्लस या फिर और बोल सकते हैं और ज़ीरो। तो भैया एक और ज़ीरो मिला के कितने होंगे, एक ही तो होंगे, तो ये भी क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया। और इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है नियम ए और ए बार इज इक्वल टू वन प्रदर्शित करता है कि यदि इनपुट ए लॉजिक वन है तो ए बार शून्य होगा, जिससे आउटपुट ए प्लस या फिर ए और ए बार इज इक्वल टू शून्य होगा। ठीक है, तो भैया पांचवा नियम भी हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, इन्वर्जन नियम। ठीक है, लास्ट नियम पढ़ेंगे बूलियन नियम का, इन्वर्जन नियम। तो आई होप यू लाइक माई वीडियोज, इफ यू लाइक दैन प्लीज गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड सजेस्ट माई चैनल टू योर जूनियर्स। ठीक है, सीनियर तो आप लोग बन ही गए हैं, जूनियर्स को आपको सजेस्ट करना है हमारा चैनल, क्योंकि उनके लिए भी हम कुछ स्पेशल लेके आ रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो जल्दी लेके आएंगे, अभी तो एग्ज़ाम में बहुत दिन है। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे इन्वर्जन नियम के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए एंड ऑल द बेस्ट।